everyone, how are you all? Welcome to the 11th chapter from your English book of class 1. The name of your chapter is Funny Day. So let's read this chapter and see what we have. A rainy day is a very funny day. चलिए तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है. सोहन इज कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. जो सोहन है वो अपने स्कूल से वापस आ रहा है. बहुत तेज तेज वो भाग रहा है क्योंकि वो देख रहा है कि क्लाउड्स आ गए हैं, ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स आ गए हैं स्काई पे. उसके पास रेन कोट भी नहीं है और उसे इस चीज़ का डर है कि अगर बारिश स्टार्ट हो गई तो वो पूरा भीग जाए और उसे भीगना नहीं है, राइट? क्योंकि उसके पास उसकी बुक्स भी हैं क्योंकि वो स्कूल से आ रहा है और अगर वो भीग गया तो उसकी बुक्स भी स्पॉइल हो जाएंगी, राइट? सडनली बहुत तेज बारिश आने लगती है. रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन सोहन. एकदम से रेन ड्रॉपलेट्स भी सोहन के ऊपर गिर रहे हैं, ठीक है? They fall on the house, they fall on the roads, हर जगह. फिर क्या हुआ, सोहन एक ट्री के नीचे जाके खड़ा हुआ, ठीक है? The tree does not let Sohan get wet. ट्री की वजह से सोहन ज्यादा वेट नहीं हो पाया. फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक लिटिल पपी आया उसके पास. वो बहुत ज्यादा क्यूट सा पपी, ठीक है? देखिए पपी के साथ सोहन खड़ा है, राइट? इट इज अ लिटिल पप. द पप स्टॉप्स नियर सोहन. तो सोहन के पास वो पप आके रुक गया. भीगते जा सब बिल्कुल बारिश होती जा रही थी, राइट? ट्री भी वेट हो गई, सोहन भी वेट हो गया, राइट? और जो लिटिल बेचारा पपी था वो भी वेट हो गया. सडनली एकदम से क्या हुआ, सडनली मतलब क्या होता है, एकदम से रेन रुक गई. सडनली जैसे ही रेन रुकी सोहन अपने घर की तरफ भाग गया, राइट? उसे जल्दी से जल्दी बस घर पहुंचना था और पप भी उसके साथ साथ भागता है. इट स्टार्ट्स रेनिंग अगेन. ओह व्हाट अ रेनी डे. और जैसे ही वो भागने लग गया तो फिर से रेन हो गई, राइट? देखिए किस तरीके से इट वॉज सच अ फनी डे. बार बार रेन हो जा रही थी, कभी पपी उसके आगे पीछे भाग रहा था. इट वॉज सच अ फनी डे, राइट? चलिए अब टेक द करेक्ट ऑप्शंस करेंगे हम. वेयर इज सोहन कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. स्कूल से ही तो वापस आ रहा है, राइट? वेयर डज सोहन स्टैंड, नियर द हाउस या फिर अंडर द ट्री? अंडर द ट्री, ओके? हु कम्स एंड स्टैंड्स नियर सोहन? सोहन के पास आके कौन खड़ा होता है? अ पप और अ किटन, अ ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाई डिड सोहन स्टैंड अंडर द ट्री? बिकॉज़ यू विल राइट बिकॉज़ सोहन वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री बिकॉज़ पूरा लिखेंगे आप. सोहन वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री बिकॉज़ इट वाज रेनिंग, ठीक है? नेक्स्ट, हु वाज विद सोहन? A little puppy. Or you can write a little pup. Okay? Sohan ke saath kaun tha? Ek chota sa puppy. Right? So that's it for this chapter. I hope you were able to understand. We'll meet him in the next one now. Till then, goodbye and take care.